पूरा पुरिया भौजी का मैं वीडियो देखा हूँ, थोड़ा सा भाभी आप भी भागी थी घर से ना, 8 दिन से मैं मार खा रही थी। बताइए अब 8 दिन से, ए बाबू काव काव कर बाबू, शांति से अपने परिवार बुलावा। 8 दिन से मार रहे थे तभी मैं ऐसी कदम उठाई हूँ, नहीं तो नहीं। अच्छा, जैसे शूटिंग में कितना सब लोग लगा देते, क्या उनकी शादी 12:30 बज गया था। यहाँ खलीलाबाद बाईपास पे 1 बज गया था। यहाँ से हम लोग बस्ती गए, हम होटल में रुक गए थे, ये अपने गैरेज पे आ गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे तुमको छोटे नंबर नहीं मांगे थे कि हमको का नंबर चाहिए? हाँ। तो आपने नंबर दिया था तो, पर मैं आपको बात नहीं बताई थी। हाँ। तो आप लग से माफी मांगना चाहते हैं दोस्तों, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया, जो भी हुआ अनजाने में जान के हुआ, आप लोग से माफी मांगना चाहती हूँ। भगवान भी कोई बार फिर से नमस्कार करता हूँ मैं आप सभी को। बता दूँ मैं मालती से मिला हूँ, और ये किसी को नहीं पता है कि मालती कहाँ पर है, और मुझे पता चला है जहाँ तक कि मैं मिलने आया हूँ। मालती कह रही है, मालती का अभी भी ये कहना है कि मैं रहूंगी विष्णु के साथ में, यही कहना चाहती हूँ। और विष्णु बाबू आपसे निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि मालती और विष्णु एक साथ हो जाएं। आप सभी लोग यही, आप सभी लोगों से निवेदन है कि यही सभी आप लोग कामना करें, ये दोनों फिर से एक हो जाएं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है बेचारा, उसको क्या मालूम कि कैसा झगड़ा, क्या प्यार, कैसा कौन सी दुश्मनी। ठीक है, और आप जैसे आप बता रही थी आपके पापा आने वाले हैं, क्या कहेंगे अभी आपके पापा आएंगे, उसके बाद क्या होने वाला आगे? पापा जो नहीं जो कहीं पापा हुआ हो। अच्छा, पापा मान ले ठीक है आ जाएंगे, अगर मान लीजिए अभी तो आपसे बोल रहा है कि वो आपको नहीं रखना चाहता है, तो फिर आगे कुछ आप सोचिंग है? नहीं, प्यार से रखेंगे तो उसका भी इलाज है। अच्छा, और आपको फोन किए थे, कुछ क्या हो रहे थे? नहीं, वो फोन करते हैं बस गाली देने के लिए। गाली देने के लिए? हाँ भैया, मजाक नहीं। बाबू विष्णु, बाबू विष्णु देखिए मैं आपको बता दूं कि तुमसे सब लोग फिलहाल के लिए अभी खफा हैं, इनसे भी खफा हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पूरी तरीके से एक साथ हो जाएं, क्योंकि देखिए इनका भी घर बर्बाद हो जा रहा है, आपका भी घर बर्बाद हो जा रहा है, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन इस बार ये सच बताऊं आपको, मेरी अपडेट जान लीजिए, मैं किसी के फेर में पड़ता नहीं हूं, मेरी अपडेट जान लीजिए कि ये रियल इस बार, ये जो इन दोनों का पर्सनल लड़ाई है कि नहीं रखना चाहता और ये कह रही हम रखेंगे, पर्सनल लड़ाई अब जो हो चुकी है, अभी एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गई है, और ये बात सिर्फ अर्जुन और राधिका के नाम को लेकर हो रही है। ठीक है, यही नाम है ना, बस यही दो नाम है। अब तुम ये बताओ, अर्जुन को जानती हो? हाँ जानते हैं, लेकिन तो आज के बाद नहीं जानती, यानी अर्जुन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, विष्णु के साथ रहना चाहती हो, बस यही मामला है मेन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब वहाँ से तुम आई, मंदिर वाली जो बात हुई थी, मंदिर की बात बोल रहे, अबीर का ये क्या मतलब वो है बड़ा? वो अबीर था। अच्छा, अबीर था, तो अबीर से तो शादी होती नहीं है, तो कंफर्म नहीं होती, सिंदूर से शादी होती, सिंदूर से शादी, और पंडित के बिना शादी नहीं होती है। कोई लगा दे। जब निकली थी तो कितने बजे तुम वहाँ से निकली थी, कितने बजे निकली थी, और कब कौन सी जगह पहुँची थी? हम लोग वहाँ से 12:30 बज गया था, यहाँ खलीलाबाद बाईपास पे 1 बज। हाँ यहाँ ना खलीलाबाद। अच्छा। हाँ यहाँ पर एक और मामला बड़ा सामने गंभीर आया था, ये 5,000 वाला मैटर क्या है, बस इतना बस बता दो, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं 5,000 वही दिया था। हाँ। और गोरा पुरिया भाऊजी के पास कैसे लेकर गए थे वो? कौन? वही विष्णु, अर्जुन तुमको कैसे लेकर गए? वो जैसे ना जब बहुत बड़ा ये हो गया कि मालती ऐसी है वैसी है, तो मतलब जब हम आपसे नंबर नहीं मांगे थे कि हमको मालती का नंबर चाहिए, तो आपने नंबर दिया था, तो पर मैं आपको बात नहीं बताई थी। हाँ। तो हम उनके पास मतलब सारी बातें उनको बता दी थी, तो उस दिन जब मेरे ऊपर ऐसे ऐसे उठू हो गए, तो हम बोले कि हम इसीलिए मतलब बोले, हमारे पास उनका नंबर नहीं था, वीडियो से बताई तो नहीं सुनी, उसके बाद हमको लेकर गए कि चलो तुमको वहाँ छोड़ देते हैं। मेरा भाई भी था, एक और भैया थे, वो थे हम। अच्छा, उसके एक दिन पहले तुमको मारा भी था शायद? हाँ मारा था ना, इसीलिए तो आप भी अब गुहार करिए, जनता से गुहार करिए कि ये दोनों एक साथ हो जाएं। और बाकी ठीक है, लोग झगड़ा किस घर में नहीं होता है, हर घर में होता है। मालती यही चाहती कि विष्णु के साथ रहना चाहती है, यही चाहती हो ना तुम? बाकी और कोई मामला नहीं है कौन? अच्छा ये एक बात बताओ, मैंने सुना था जैसे जब तुम वहां से निकली थी, ठीक है तुम वहां से निकली तो उसको पैसे दे करके ठीक है भगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर अभी इसका इंटरव्यू आ रहा है, बोल रहा है मैं मालती को जानता हूँ, तुम तो साफ सब मना कर दी। देखो मैं अर्जुन बाबू तुमको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो नहीं जानती, अब ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु के साथ रहना चाहती, विष्णु की वाइफ है ये, तो आप प्लीज आप एकदम बिल्कुल इंटरफेयर मत करिए, नहीं तो कल को जब एकदम बाकायदा वाला मुकदमा हो जाएगा ना बेटा, तो फिर तुम किस तरीके से रेले जाओगे ये तो यू ना जान बाटी अच्छे से, तो पता चला विष्णु के टंगवाई है तो तू अर्जुन के टंगवाई बा, या कुल वही चलत रही, अरे दोनों जनी की जिंदगी बात से खुशी से रहेगा, यही होता है ना। तो सबसे एक बार निवेदन कर लो, आप लोग से निवेदन करती हूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसीलिए अच्छा से खड़ा नहीं हो पा रही, आप लोग भैया।
लोग मालती चौहान के इंटरव्यू देखे हैं, जो कि इंटरव्यू में क्या क्या बयान दे रही, कभी कह रही है कि हम मरेंगे जिएंगे उन्हीं के साथ, कभी कह रही है कि नहीं हमको विष्णु के पास जाना है। भाई क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा है, किसके साथ रहेगी किसके साथ, शायद हो सके फिर भागने के प्लान की, मारने के विष्णु राज के प्लान की है कि शायद मार और के भाग जाए। तो आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से क्या लग रहा है, मालती कुछ योजना तो नहीं बना रही है कि कहीं विष्णु के कुछ साथ गलत करके और अर्जुन के साथ चले जाएंगे, हमें तो यही लग रहा है। और आप लोग के क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अभी तो कुछ दिन वीडियो पहले कह रहे थे कि हम बदनाम हो गए हैं तो जिएंगे इन्हीं के साथ, मरेंगे इन्हीं के साथ, अब विष्णु राज के कह रहे कि हम उनके घर जाएंगे, तो भाई अब इसका क्या मति में चल रहा है भगवान जाने, शायद बर्बाद करने पता नहीं तुली है। देख लीजिए आप लोग, युग जमाना और रतों पर भरोसे करने लायक नहीं है, भगवान ऐसी बीवी दुश्मनों के मत दें।